नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी नॉलेज। और आज के टीडी नॉलेज में हम आपको बताएंगे, दरअसल बिहार सरकार ने मृत सरकारी सेवक के पति पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति के लाभ को लेकर नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में सभी सरकारी विभाग, सभी अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को सूचना दी गई है। अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर लगातार हो रहे दावे के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह नया फैसला लिया है। 1991 के पहले तक ऐसे मामले में आश्रित को वर्ग 3 या 4 के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विषय में विधि विभाग की राय मांगी थी। विधि विभाग के पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया। विधि विभाग की राय थी कि पति पत्नी में कोई एक अवकाश ग्रहण कर चुका है और किसी एक की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है। विधि विभाग का मानना था कि क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद किसी को भी सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता है, वही सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अनुकंपा आधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को नए मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी उसके लिए तय योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करनी होगी, तब वे अनुकंपा आधारित बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के टीडी न्यूज में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।